अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो सन 2002 में बांग्लादेश में एक मस्जिद में बम ब्लास्ट करके भागा था। इस ब्लास्ट में एक तोहित नामक युवक की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए थे। इस आरोपी ने बांग्लादेश के खुलना राज्य के क्लोरुआ पुलिस की हद में आने वाले इलिसपुर गांव के मस्जिद में एक और मस्जिद के बाहर दो ब्लास्ट किए थे। तीसरा ब्लास्ट करते हुए एक बम उसके हाथ में फट गया, जिससे उसका हाथ भी कट गया। ठाणे क्राइम ब्रांच के सीनियर पीआई नितिन ठाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 मार्च को खबरी द्वारा जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के PSI दत्तात्रेय श्रक और उनके टीम ने सिडको बस स्टॉप ठाणे स्टेशन के पास जाल बिछाकर पकड़ा और उसे पूछताछ की और उसे इंडिया में रहने के लिए जरूरी कागजात जैसे वीजा पासपोर्ट दिखाने को कहा। ऐसे कोई पेपर उसके पास न होने और वो बांग्लादेशी नागरिक है ये कहने पर उसे ठाणे क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि उसका नाम मुफज्जल हुसैन उर्फ मोफा अली उर्फ टुंडा है और वो ग्राम कोटा थाना कोलारवा जिला सातखीरा बांग्लादेश का रहने वाला है और साल 2002 में मस्जिद में बम ब्लास्ट करने के केस में बांग्लादेश के कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साल 2004 में मेडिकल ग्रांट पर वो जेल से बाहर आया और फरार हो गया था। फरार होने के बाद वो इंडिया के पश्चिम बंगाल में रहने लगा। बाद में वो नई मुंबई में आकर रहने लगा। इस मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के पुलिस हवलदार अबू तालिब शेख ने ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम 1950 के धारा 3A 6A के साथ परदेशी नागरिक कायदा 1946 की धारा 14A के तहत केस दर्ज करवाया। उसके बाद उसे ठाणे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 27 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इस केस की आगे की जांच ठाणे क्राइम ब्रांच के सीनियर पीआई नितिन ठाकरे के मार्गदर्शन में PSI दत्तात्रेय सरक कर रहे हैं। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।